बड़वानी में मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर के प्रबंध निदेशक अमित तोमर पहुंचे और बड़वानी विद्युत मंडल के अधिकारियों की बैठक ली। प्रबंध निदेशक मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर के अमित तोमर एक दिवसीय दौरे पर बड़वानी पहुंचे और उन्होंने विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। तोमर ने पत्रकारों से चर्चा में बताया कि ये सामान्य दौरा था, लेकिन रबी का सीजन सामने है, इसको देखते हुए अधिकारियों की बैठक ली गई, जिसमें सप्लाई की स्थिति के साथ ट्रांसफार्मर की स्थितियों का जायजा लिया गया है, ताकि रबी के सीजन में किसान परेशान न हो। उन्होंने कहा कि वर्तमान में ट्रांसफार्मर खराब होने की शिकायतें बहुत कम है, इसके बाद भी जहां दिक्कत आ सकती है ऐसे स्थान चिन्हित कर तैयारी रखने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। आज एक रूटीन दौरा था, इसमें बड़वानी सर्कल के जितने जेई हैं एक्स्ट्रा के साथ में समीक्षा की, जो विभाग की टारगेट हमारे हैं, सप्लाई की स्थिति क्या है और ट्रांसफार्मर की स्थिति क्या है, रबी सीजन को देखते हुए क्या तैयारी है, इन्हीं विषयों पर समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश प्रदान किए। सर कुछ विशेष रहा सर? विशेष ऐसा नहीं था, जैसा मैंने बताया कि पूर्व की प्रगति की समीक्षा की गई और आगामी जो भी चैलेंजेस आ सकते हैं स्पेशली सरप्राइज को लेकर और रबी सीजन को देखते हुए उसको निर्देश। सर वर्तमान में क्या स्थिति नजर आई है? वर्तमान में रेवेन्यू कलेक्शन हमारा ठीक है और ट्रांसफार्मर फेलियर भी बहुत ज़्यादा नहीं है। ऐसे स्थान आइडेंटिफाई करने के लिए कहा है जहाँ पर लोड बढ़ सकता है, ट्रांसफार्मर फेल हो सकते हैं, तो एंटिसिपेट करने के लिए कहा है, इनकेस यदि लगेगा तो अतिरिक्त ट्रांसफार्मर प्रदान करें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।